फ्रेंड्स, अर्चना फूड चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले आधा किलो गाजर, कंडेंस्ड मिल्क, थोड़े से ऊपर डेकोरेशन किए हुए काजू और आधा कटोरी देसी घी। गाजर तो सब तरह के, अलग अलग तरह के गाजर के हलवे बनाते हैं। कोई खोआ डाल के बनाता है, कोई दूध डाल के बनाता है और कोई इसमें दूध डालने से जो है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आज आपको आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि कैसे गाजर का हलवा बनाया जाता है। सबसे पहले एक आप कढ़ाई लीजिए, उसको गैस को ऑन कीजिए। जब ये कढ़ाई पूरी गर्म हो जाए तो इसके बीच में आप, एक मिनट अभी थोड़ी गर्म हो जाए, फिर उसके बाद आप देसी घी आधा कटोरी डालना। कढ़ाई गर्म होगी, इसके बीच में हम आधी कटोरी देसी घी की डालेंगे। उसके बाद आधा किलो गाजर इसके बीच में डालेंगे, देसी घी के बीच। इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। थोड़ा सा तेज आंच कर लेना, इससे ये होगा कि जो इसके बीच में गाजर का जो पानी है वो खत्म होने करना है इसको। और देसी घी डालने का हमारा ये पर्पस है कि देसी घी से ही नीचे सड़ेगा नहीं। और हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि भी हमें जो कढ़ाई है वो थोड़ी सी मोटी तले वाली रखनी है, लेनी है। अगर हम पतले तले वाली लेंगे तो वो जल्दी जल्दी नीचे सड़ जाएगा। अब हमें ऐसे इसको गाजर के हलवे को करना है कि ये बिल्कुल ही अपना ये पानी है बिल्कुल छोड़ दे और ऑरेंज शेड में जब ये आ जाए तब हम इसके बीच में कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। इसको हमने 10 मिनट तक ऐसे ही थोड़ा सा हिलाते रहना करछी के साथ और इसका नीचे तला ना लगे और इसका पानी जो है वो सारा एवेपोरेट हो जाए। अब लगे कि जैसे अब पानी एवेपोरेट हो गया तो अब हम इसके बीच में कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। कंडेंस्ड मिल्क में हम उतना डालेंगे जितना अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आप कैसे कितना मीठा खाना खाना चाहते हो या कैसे क्या करना चाहते हो, मीठे के हिसाब से आप उतना कंडेंस्ड मिल्क डाल सकते हो। अभी पहले आप इतना ही देख लीजिए डाल के, आधा कंडेंस्ड मिल्क डाल के देख लीजिए, फिर उसको आप थोड़ा थोड़ा बीच में आप उसको खिलाते रहिए गाजर के हलवे को। अब इसको तब तक खिलाते रहना जब तक ये भी कंडेंस्ड मिल्क एवेपोरेट ना हो जाए, इसके साथ मिल ना जाए। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो इसी के साथ ही मिक्स हो जाए गाजर के हलवे के साथ। तो ये सामने देखो, ये गाजर का जो है ये बिल्कुल ही कंडेंस्ड मिल्क इसके साथ बिल्कुल मिक्सअप हो चुका हुआ है। अब इसके आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि अगर तुमने मीठा और डालना है तो थोड़ा और डाल लो। और ये देखो बिल्कुल सूख गया हुआ है। ये मतलब कि इस प्रोसेस से आप गाजर का हलवा बनाओगे तो आप 15-20 मिनट में नहीं लगते, हार्डली 10 या 12-13 मिनट में ये बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब ये देखो बिल्कुल ही, ये देखो अब ये कढ़ाई के साथ है, अब तेज आंच थोड़ा सा मैंने कर दिया हुआ है। अब ये देखो बिल्कुल सारा का सारा ये है, ये देखो इसमें कोई नीचे ऐसे ही नहीं रहा, देखो अपनी अपनी इसने जगह छोड़ दी हुई है, ये देखो बस। अब ये बिल्कुल ही बन के तैयार हो गया, अब हम इसको बाउल में डालेंगे सर्विंग के लिए, ये देखो। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इसके ऊपर क्या करना है, कि खोया डाल रहे थे ऊपर डेकोरेशन के लिए, इसमें कुछ भी आप बादाम अखरोट जो भी कुछ चाहिए, आप जो भी कुछ आपको पसंद है वो इसमें डाल सकते हो आप ऊपर डेकोरेशन के लिए। बाकी ये बहुत ही जल्दी बनता है, जिसके पास, अब जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके पास टाइम नहीं होता और बच्चे चाहते भी हैं कि हमें गाजर का हलवा सीज़न के हिसाब से हमें बना के दो, सभी पसंद करते हैं। सर्दियां आ गई तो सर्दियों में सभी को यही होता है कि गाजर का हलवा कोई दे, बाहर का तो चलो मिल ही जाते हैं सब तरह के। अब ये देखो, अब ये गाजर का हलवा बन गया हुआ है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग करने के लिए काजू के साथ कर दीजिए, कुछ भी आप डाल दीजिए। ये देखिए,
आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये बताना, और हमारे को नीचे सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और नीचे बेल बटन दबाना। थैंक यू।